नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। जन स्वराज के सूत्रधार और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के साथ साथ बिहार में चार जगह हो रहे उपचुनाव भी लड़ने की तैयारी पे हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने तरारी सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर से एक बड़ी चूक हो गई है, ये उम्मीदवार प्रशांत किशोर को वापस लेना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का ये उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। पूरा मामला बताते हैं आपको। बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आरा की तरारी विधानसभा सीट से सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो राज्य के वोटर ही नहीं है। बिहार का वोटर नहीं होने के कारण रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिस वजह से पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो तरारी में अपना उम्मीदवार में नया उम्मीदवार उतारेगी। अब इस सीट से प्रशांत किशोर मंगलवार को यानी कि आज आरा में नए कैंडिडेट की नाम की घोषणा करेंगे। पीके की जनसुराज की पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में वो बिहार की राजनीति में अपना छाप छोड़ेंगे। लेकिन चार सीट के उम्मीदवार के चुनाव में पार्टी की तैयारी की पोल खुल गई और उन्हें पुराना नाम वापस लेकर अब नया नाम रखना पड़ेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार की जिन चार विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का 13 नवंबर को ऐलान किया है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये चार सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ है। इन चार सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी। एक लिटमस टेस्ट, एक सेमीफाइनल है सभी दल के लिए। सभी दलों को अपना दमखम इस लिटमस टेस्ट में दिखाना होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ क्या होगा, जनता किसको स्वीकारेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।